हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड सिक्स, टुडे यू हैव टू राइट एसे ऑन टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। सो आई विल एक्सप्लेन दिस प्रिसाइसली एंड देन विल सेंड यू द पीडीएफ फाइल, देन यू हैव टू राइट एंड लर्न एज वेल। सो डिसिप्लिन, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, हमको इसमें क्या लिखना है? डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस, ठीक है। डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है? डिसिप्लिन इज एन इम्पोर्टेंट वर्च्यू, वर्च्यू यानी गुण होता है, ठीक है। डिसिप्लिन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। वंस लाइफ, हर एक की लाइफ में डिसिप्लिन मीन्स कंप्लीट ओबीडियंस टू सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। ओबीडियंट पर्सन रहने के लिए डिसिप्लिन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हमको ओबे करने चाहिए, मीन्स फॉलो करने चाहिए। लाइफ विदाउट डिसिप्लिन इज जस्ट लाइक अ हाउस विदाउट अ रूफ, रूफ यानी छत, ठीक है, छापड़े जिसको बोलते हैं ना वो, ठीक है। तो डिसिप्लिन अगर नहीं है तो ये ऐसा प्रोवर्ब है, लाइफ विदाउट डिसिप्लिन इज जस्ट हाउस विदाउट रूफ, छत बिना घर, ठीक है। तो छत बिना घर कैसा लगता है? इट इज ऑलमोस्ट, इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर, एसेंशियल यानी महत्वपूर्ण, एसेंशियल यानी जरूरी, फॉर सक्सेसफुल लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन। इट इज एसेंशियल फॉर अस इन होम, फॉर सोल्जर्स इन बेटर फील्ड। बेटर फील्ड यानी ये जो युद्ध में जाते हैं ना सोल्जर्स, उनके लिए बेटल फील्ड, ठीक है। यहाँ पे बेटल आएगा, बेटल एल आएगा, बेटल फील्ड। फॉर स्टूडेंट्स इन स्कूल, स्टूडेंट्स के लिए स्कूल में ज़रूरी है, और सोल्जर्स के लिए बेटल फील्ड में ज़रूरी है, ठीक है। फॉर प्लेयर्स यानी क्रिकेट वालों के लिए प्लेग्राउंड में ज़रूरी है, टीम को जिताने के लिए। ऑफन नाउ सी, अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर्स ऑफन लोज, ठीक है। भले ही एक्सपीरियंस टीम क्यों ना हो क्रिकेट की, लेकिन वो हार जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ इनडिसिप्लिन, डिसिप्लिन में नहीं रहती इसकी वजह से। नाउ सी दिस प्रोवर्ब, अ हॉरिबल बैटल कैन बी वॉन, हॉरिबल यानी बहुत ही भयानक और बहुत ही बड़ा बैटल यानी युद्ध जीता जा सकता है जस्ट बाय डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के द्वारा। नाउ सी डिसिप्लिन इज वेरी इम्पोर्टेंट इन अ स्टूडेंट्स लाइफ, स्टूडेंट्स लाइफ के लिए तो बहुत ही ज़रूरी होती है डिसिप्लिन। स्टूडेंट्स मस्ट ओबे देयर टीचर्स, मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ स्कूल, दे शुड बी सिंसियर, डेडिकेटेड, फर्म एंड फोकस देयर गोल्स, ठीक है। नाउ दिस डेज आर लॉकडाउन, ठीक है, यू डोंट हैव टू कम स्कूल, बट आप जब स्कूल में आते थे तब फ्राइडे या सैटरडे दिन जो आपका MD लेक्चर होता था ना PT, तो वहाँ पे कैसे आपको डिसिप्लिन सिखाते थे, ठीक है। तो मतलब ये डिसिप्लिन हर एक फील्ड में तो ज़रूरी है, लेकिन स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है डिसिप्लिन। आपको याद होगा कि आप कभी शूज़ नहीं पहन के आते, शूज़ जो स्कूल के जो कलर अलाउ है वो दूसरा कलर पहन के आते हो, या टाई कभी नहीं पहन के आते हो, तो कैसे आपको पनिशमेंट भी मिलती है, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ टू टीच यू हाउ टू रिमेन इन डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन में कैसे रहना चाहिए वो सिखाने के लिए आपको, तो ऐसे वाले ही पॉइंट्स से बहुत ही अच्छा है, ऐसे आप खुद इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। इफ़ दे वायोलेट्स, ठीक है, अगर स्टूडेंट्स वायोलेट्स क्रिएट करते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, देन दे सफर्स अ ग्रेट डील इन देयर फ्यूचर, ठीक है। बोलते हैं ना जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, टीचर का कहना मानते हैं, वो लाइफ में कुछ कर पाते हैं, और जो नहीं ओबे करते हैं उनको फ्यूचर में तकलीफ होती है। एज ए स्टूडेंट इज़ द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, सो दे नीड टू बी अ वेरी पंक्चुअल टू देयर रूटीन, हार्ड वर्किंग, हेल्दी एंड फिट। एज ए स्टूडेंट यानी कि जो है स्टूडेंट्स, वो हमारे कंट्री के ही सारे
हैं हमारे फ्यूचर के बच्चे, तो इनको मतलब खास करके स्टूडेंट्स को बहुत ही पंक्चुअल एंड हार्डवर्किंग रहना चाहिए।